हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा एनबिल से स्वागत है आप सभी का एक और टेकोमीटर के नए वीडियो में, नए एपिसोड में। जहाँ पे दोस्तों आज मैं से बात करूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे एप्स का रिकमेंडेशन मिला होगा या फिर आपने बहुत सारे ऐसे एप्स को डाउनलोड भी किया होगा जो आपके वो दावा करते हैं ऐसे कि आपके एंटीवायरस टाइप के एप्स के बारे में जो दावा करते हैं कि स्कैन कर देंगे सारे वायरसेस को, क्लीन कर देंगे ये वो। उन्हीं आपने भी हो सकती है कभी कभार आपने डाउनलोड किया होगा या अभी भी आपके फोन में हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँ, क्या ये सच में काम करते हैं, क्या इसके कोई दूसरे इफेक्ट्स है या फिर सच में ये काम करता है, सच में ये वायरसेस को क्लीन करता है। आगे बढ़ते इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। दोस्तों देखिए, बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया था कि आपका फोन जो है वो स्मार्टफोन है, एक चीज सबसे पहला। और हम लोग ज्यादातर जो है एंड्रॉयड यूजर्स हैं, जितने भी iOS के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, iOS में तो कुछ होता ही नहीं वो सब। एंड्रॉयड यूजर जो होते हैं, इनमें जो प्ले स्टोर रहता है वो एक प्ले प्रोटेक्ट उसमें एक ऑप्शन आता है जो कि आप उसमें जितने भी एप्स रहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और आपके आपके फोन में वायरसेस आना मतलब वायरसेस नहीं आता है उसकी वजह से, जो कि आपको मतलब वायरस वाला अगर कोई ऐप होगा तो फिर वो प्ले प्रोटेक्ट से वो हट जाएगा, वो डाउनलोड नहीं आप कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप कुछ डाउनलोड करते हैं, फिर कोई वेबसाइट से अगर आप कुछ अपने फोन में डाउनलोड करते हो, तो हाँ वहां से एक डर रहता है कि आपके फोन में वायरसेस वगैरह आ सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी आपका वो चीज डिटेक्ट कर लेता है फोन जो कि है विंडोज डिफेंडर वगैरह, सॉरी विंडोज बोल रहा हूँ, मतलब एंड्रॉइड डिफेंडर वगैरह, जो कि आपको वार्न करता है कि हाँ एक वायरस वगैरह कुछ आ रहा है, तो फिर आप उसको परमिशन वगैरह नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो ये एप्स हैं जो कि सिक्योरिटी एप्स जो स्कैन करने का दावा करते हैं, जो एंटीवायरस होने का दावा करते हैं, जो फोन को बूस्ट अप कर देने का दावा करते हैं, क्लीन कर देने का दावा करते हैं, ये सब ऐप भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये सब ऐप बहुत ही मतलब बिल्कुल ही बेकार है। ये सब कोई सी काम के नहीं है, ये बस आपके फोन का स्टोरेज को कम कर देते हैं, स्टोरेज में मतलब जगह ले लेते हैं आपके फोन में, जो जरूरी जगह रहता है जो कि जरूरी स्टोरेज होता है वो आपको आपका आपके फोन से ये लोग ले लेते हैं। और एक्चुअली में अगर बोला जाए कि ये ज्यादातर केसेस में जो आप अगर कहीं से डाउनलोड कर रहे हो तो ज्यादातर केसेस में जो है आपको यही लोग आपके यही जो ऐप्स है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फोन को स्लो कर देने के लिए। ये लोग स्लो कर देते हैं और आपको लगता है कि हाँ इस ऐप को यूज करेंगे तो शायद फोन थोड़ा बूस्टअप हो जाए, जो कि वैसा कुछ नहीं है। आप सिंपली से अगर कोई भारी ऐप चला रहे, जैसे कोई गेम खेल रहे जैसे पबजी वबजी, तो सिंपली से आपको कुछ करना है नहीं, आपको सिर्फ वो आप रिसेंट से थोड़ा सा अगर आपको बंद करना है या फिर बाकी सारे ऐप आप बंद करके वो पबजी जितना भी रैम है आपके फोन का वो आप अपने बड़े ऐप को दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको वो बेकार के ऐप्स का जरूरत वगैरह पड़ता है नहीं, वो बिल्कुल भी कोई काम के होते नहीं है। वैसे भी वो जो क्लीनिंग ऐप जो दिखाते हैं, वो जो इधर उधर का रॉकेट उड़ गया ये वो सब बेकार का है एकदम, वो सब दिखावा है जस्ट और कुछ नहीं। वो सिर्फ अपने डाउनलोड्स को बढ़ाते हैं वो कंपनीज और कुछ नहीं। तो इसलिए ये सब क्लीनिंग ऐप्स कुछ नहीं, बस आप अपने फ़ोन को जो है वो आप डिसेंट यूज़ करें उसका, तो फिर वो अच्छे से वो काम करेगा, बाकी ये सब ऐप का यूज़ करिए। हाँ, जो आप बोलोगे कि हाँ जैसे कि ROG फ़ोन ये सब में आपको गेम बूस्टर वगैरह मिलता है, उसमें एक्चुअली हार्डवेयर वैसे बनाया गया होता है, उनका हार्डवेयर ही वैसा है, तो जिसमें हार्डवेयर लगा होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दिया होगा उसकी मदद से आप उस हार्डवेयर को रन कर सकते हो। जैसे कि एक्स्ट्रा फैन उसमें दिया होगा तो फिर आप गेम खेलते समय उस फैन को ऑन करने के लिए उस ऐप का यूज कर सकते हो जो कि कंपनी पहले से फोन में इनबिल्ट इंस्टॉल करके दिया होगा, जिससे कि वो फैन चलेगा और वो सच में फोन को ठंडा करता रहेगा प्रोसेसर को। लेकिन बेकार में हम लोग जैसे मिड रेंज वाले फोन, जैसे हम लोग नॉर्मल बजट फोन यूज करते हैं, इसमें आप बेकार का वो सब चीज जो ऐप डाउनलोड करके बेकार में वो झाड़ू वाड़ू उड़ा के क्या कर लोगे, इसमें तो हार्डवेयर ही वैसे कुछ इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो फिर बेकार में आप क्यों सॉफ्टवेयर से अपना स्टोरेज को कम कर रहे हो। तो यही तो दोस्तों आपको समझने वाला बात है कि आप कैसे मतलब इसमें ये सब ऐप्स का बिल्कुल कोई भी यूज नहीं है, तो आप हो सके तो इनसे बच के रहिए, इनसे दूर रहिए, एक्चुअली इसको ना यूज करना ही बेहतर है। उससे अच्छा आप वो डेटा को किसी और ऐप में इन्वेस्ट कीजिए तो आपका थोड़ा अच्छा हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो समझ आएगा कि एक्चुअली में जो क्लीनिंग ऐप्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम कुछ होता है नहीं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हाँ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहे, सुरक्षित रहे, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर है अल्ट्रा एनबिल। जय हिंद।